भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा संताराम सरोनिया को भारी बहुमत से विजयी होने पर कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी। भांडेर में रक्षा संताराम सरोनिया को 40,000 वोटों से जीतने पर रक्षा संताराम सरोनिया ने सभी भांडेर की जनता तथा आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ साथ सभी जनता की जीत है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी या भांडेर चुनाव प्रभारी हरिओम तिवारी, कांग्रेस समन्वयक जीतू दांगी, संताराम सरोनिया, विक्की सरोनिया, सोशल मीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह रजक, युवा कांग्रेस नेता शैलेंद्र पटेल आदि कांग्रेस नेताओं ने सभी नगरवासियों तथा भांडेर तहसील के सभी ग्रामवासियों की जीत की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ कांग्रेस की जीत पर? कांग्रेस की खुशी है, कांग्रेस की जीत पर बहुत भारी खुशी है। मध्य प्रदेश में तो नहीं है, पूरे बॉर्डर विधानसभा की सबसे ज्यादा खुशी है, पर मध्य प्रदेश की खुशी है कि 15 साल में हम वापस लौटे हैं ना। आपको लगता है कि आपके सपने पूरे होंगे? हाँ, सपने पूरे होंगे, हमारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो सपना हमारा पूरा करेंगे। आपको अच्छा ये एक और बता दीजिए कि आपको मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अब जो तो तय करेगी ऊपर मुख्यमंत्री जो कमलनाथ बनेंगे। कमलनाथ बनेंगे और सबकी सहमति है उसमें, कोई भी पार्टी का कोई भी नेता ये नहीं चाहता है, सुलझा होगा अपने इच्छा से ही कांग्रेस पूरी चाह रही है एकजुटता कमलनाथ जी को बनाया जाए, एकजुटता दिखाई। और कमलनाथ जी जनता के साथ इतना बढ़िया काम करेंगे कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज जो गाय छुट्टर हो रही हैं उन गांवों के लिए कांजी हाउस या गौशालाएं बनवाएंगे। हर जो आज भाजपा ने सब जगह भ्रष्टता फैला रखी है, बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं हो रहा है। कांग्रेस ये काम करेगी कि कोई भी गरीब आदमी कहीं भी रिश्वत नहीं देगा, अन्याय का साथ कांग्रेस कभी नहीं देगी। और जिन लोगों को अन्याय से जो त्रस्त हो गई, कांग्रेस उनके घर जाकर के उनकी मदद करेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, ज्योतिराव सिंधिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतेगी? जी, पूर्ण उम्मीद थी सर।